चेक कर लो। तो भाई फोन पकड़ लिया गया है ये हमारा, फोन और वॉलेट, बोर्डिंग पास ये लो। बहुत बेइज्जती हो रही है भाई, ये सब ले जाएं लेकिन बॉटल डाल के ना लेके जाएं, बॉटल चेक ही नहीं करें। हैंड बैगेज में वो निकाल लेंगे, ना आपको पीने को मिलेगी और वो भी पता नहीं पियेंगे कि नहीं पियेंगे। सही बात बहुत छोटे करा लिए गाड़ी में एक बार बैठ के फिर आपको बताते हैं कहाँ आए हैं, क्या काम है। ये हीरा, अरे भाई क्या हाल है। अरे अरे ये हीरा, ये हमारा भाई, कब कीमत देगा नहीं मालूम। ये आप तो घाटे का सौदा कर रहे हो, पैसा उठा रहे हो और ये सोच के कि पैसा कमा के दोगे, लेकिन कमा के दो नहीं रहा। चलो करते हैं कुछ ना कुछ। स्कॉर्पियो का मजा जो है छत्तीसगढ़ में ही है। सही बात है भाई, यहाँ आते ही स्कॉर्पियो और रजनीगंधा बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत टायर में हल्की सी बबलिंग हो रही है। देखते हैं बाकी भगा के, थोड़ी बात डलवा लेते हैं। अब आ चुके हैं जी रायपुर, काय पर्ची का ये, और यहाँ है जी अपनी खेती। हाँ तो अभी ब्रेक लिया है थोड़ा डीजल का, थोड़ा ट्रैक्टर के भी लिए डल रहा है डीजल, गाड़ी के लिए भी डल रहा है। मोड़ गिने जा रहे हैं, पैसा सिर्फ जा रहा है, सिर्फ पैसा जा रहा है, लैंड करो नहीं और पैसा निकल जाता है, पैसा निकलता रहता है, यही दिक्कत है। अभी दिखाएंगे तुम्हें, सबको लग रहा है फार्मिंग बहुत आसान है। अच्छा अरे भाई हवा हवा, ये 9000 रुपए का डीजल डलवाया है, हवा नहीं भर के लिए। अभी हम आ गए हैं यहाँ से, अपना सामान वामान लेते, ले लिया क्या, मिल गया आयल फिर तो ले लेके रहे हैं, ले लिया है अभी जो सामान लेना था। यहाँ से हम अपना सारा सामान लेते हैं, जो ट्रैक्टर के पार्ट्स होते हैं, जो भी कुछ लगता है खेती वेती में, यहाँ पे दोबारा लाएंगे आपको, फिलहाल तो आप देखिए। चलते हैं अब गांव की तरफ, फिर से कंटिन्यू करते हैं। चलो भाई तो अब हम आ गए हैं अपने गांव में भाई, गांव दिखाते हैं अब आपको कैसी एंट्रेंस है। ये देखिए डूमर पाली, ये जूम कर लेता हूँ, बहुत बड़ी ले चलते हैं। बीच रास्ते में आपको दिखाएंगे, ये अपना एक छोटा गार्डन और गैराज टाइप है जहाँ हमारा ट्रैक्टर खड़ा होता है, और ये है हमारा मंदिर, अभी आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। ये देखिए हीरा, एक काम कर दो और दो पानी की बोतल पकड़, ये है जय राधा कृष्ण। फार्म आ गए हम अपने, ये फार्म का गेट, अब ये एंट्रेंस है, ये देखिए
जी हैं, नंदू जी हैं हमारे। क्या हाल चाल है? क्या हाल है? घुमाई बुता चला। अरे भाई थोड़ा जल्दी जल्दी करो, कहाँ भाग गया थरा, कितना भाग गया? बहुत भाग गया। आओ आपको हमारी अभी बेसिक नर्सरी दिखाते हैं। तो ये है थरा, तो जैसे जर्मिनेट हो जाता है सीड तो फिर ऐसा दिखता है। जो खड़ा हुआ है वो सही है, ये भी लग जाएगा, लेकिन इसमें क्या है, जो ग्राफिंग का पेड़ आता है नहीं, ऐसे कटिंग उस कमचिल करके ना अपन को बांधना पड़ेगा रस्सी से, वो जूट वाली जो रस्सी होती है टमाटर में जो बांधते हैं ना। तो या तो हाँ शुरू में खड़ा करें उसे, इसका पता नहीं। नहीं कल तो महेंद्र से भी एक डेढ़ घंटा मेरा बात हुआ है यहाँ वीडियो कॉलिंग करके, तो ग्राफिंग टाइप का पेड़ बांधोगे तब ठीक होगा, अगर मल्चिंग में टच होगा ना पूरा जल जाएगा। वो सीधा सीधा ना पकड़ते यहीं से, यहीं से डालना पड़ेगा ये पौधा, तो यहाँ से गांठ बांध के सीधा ऊपर। हाँ तो वैसा कर सकते हैं भाई अगर बचाना है तो। ये हमारे फार्म का छोटा सा मेहमान, नया मेहमान, ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, वॉचमैन भी है हमारा। तो अब दिखाते हैं आपको कैसे जो है इनिशियल फार्मिंग स्टार्ट होती है। तो बेसिक तो चीज़ ये होती है कि आप अपने लैंड को पहले पानी ढूंढना पड़ता है, तो जैसे बोर होती है नीचे पूरा गड्ढा होता है पानी में, तो वो ढूंढते हैं। फिर जैसे उधर आपको देख सकता है दूर एक वो है हमारा हेड यूनिट, वहाँ हमारी बोर है, तो पानी पूरा जो फार्म में चारों तरफ सप्लाई होता है वो वहाँ से सप्लाई होता है। ऐसे ये बॉल्स लगे हुए हैं, ठीक है अभी उधर ले चलते हैं कैसे रिजरिंग हो रही है, वो अपना लड़का कर रहा है। तो और ये देखिए आप, ये है मुनगा ड्रम स्टिक्स का पेड़, और ये आया गया है दुबई से। तो मेरी मामी हैं वो दुबई रहती हैं, तो उनको बहुत शौक है गार्डनिंग का, फार्मिंग का, तो वो अपने घर में फार्मिंग करती हैं, तो उन्होंने हमको बीज दिए थे ये ड्रम स्टिक्स के। और अब ये पेड़ आप देखो कितना बड़ा हो गया, और हमने ये लगाया था दिसंबर में, तो अभी आप देख सकते हैं ये पूरी लाइन में ये मुनगे के पेड़ है। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू मामी, थैंक यू। तो अब आपको लेके चलते हैं, ये रिजनिंग हो रही है। अब ये है ना मांदे हैं, अभी जो आप ये देख सकते हैं ये वाला जो बेड है, ये वाला, ये इसमें जो है प्लांट लगते हैं, तो अभी इसको खोला जा रहा है क्योंकि इसमें अभी गोबर खातू जो होती है वो प्लस कुछ फर्टिलाइज़र्स डलेंगे, मिक्स होंगे, फिर इसको पैक कर दिया जाएगा। फिर आपको दिखाएंगे अभी दो दिन बाद कि कैसे उसको पैक करते हैं, कैसे मांदा रेडी होता है। तो आइए आइए आपको ट्रैक्टर में लेके जाते हैं ऊपर, रिजनिंग दिखाते हैं कैसे होती है। थोड़ी आवाज़ हो सकता है कम आए, तो उसके लिए थोड़ा सा देख लीजिएगा उधर से उधर। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है, बढ़िया है।